को कोई लालची लड़का नहीं चाहिए, मेरे अपने फार्म हाउस है, 10-12 लाख रुपया मेरा आ जाता है। जितना भी पैसे है हमारे पास वो मम्मी की बदौलत ही है। बस इतना ही चाहूंगी कि कोई भी लड़का हो, गरीब हो, लेकिन लालची नहीं हो। जो ये निशान है इनके चेहरे पे, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम अनीता है। अच्छा। और ये मेरी बेटी है, इसका नाम सुमिता है। अच्छा। और ये ना मैं इसलिए आई हूँ, आप लोगों की वीडियो देखी थी। अच्छा। तो इस चक्कर में मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि कोई लड़का हो तो मेरे को बता देना। अच्छा, मतलब आप हमसे ये मतलब चाहते हो कि इनको मतलब इनके लिए रिश्ता विश्ता हो? हाँ, कोई लड़का। अच्छा। हो, वीडियो देखी थी ना इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। अच्छा, तो इनको प्रॉब्लम क्या मतलब? इनको ना, इसको ना बेटा, ये एक तो ना इसकी टांग की प्रॉब्लम है। अच्छा। सही से, ये शुरू से ही है, बचपन से ही है। मतलब क्या प्रॉब्लम है टांग में? मतलब ये ना चल नहीं सकती थोड़ा। एक बार बहन उठ के दिखाओगे थोड़ा सा? उठ के दिखाओगे एक बार थोड़ा सा? बेटा ये, अच्छा, यही प्रॉब्लम है ना इसकी? हाँ जी, मतलब पैर में जो इसके प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब थोड़ा सा मतलब ये प्रॉब्लम है इसको पैर में? प्रॉब्लम है। अच्छा। और ये इसका एक फेस है ना, ये सारा काला सा हो रहा, निशान है, छोटा था पहले बचपन से ही है। अच्छा। और वो बड़ा हो गया फेस। अच्छा, 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 वो उसी को ही देख के ना, बस वो फेस को ही देख तो के हल्का सा इसीलिए इसने मास्क लगा रखा है, इसको हल्का सा रिमूव कर सकते हो? हाँ, मतलब दिखा सकते हो भाई? हाँ, दिखाइयो बेटा। बेटा नहीं भैया, नहीं बेटा, डर मत, सुन दे, फेस मत दिखा, बस वो निशान दिखा दे, हम देखना चाहते कि भाई है भी नहीं है ना। दिखा दे बेटी, क्योंकि आजकल पता है क्या, फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप दिखा सको। भैया मैं दुनिया के सामने नहीं जाना चाहती, उस फेस की वजह से ही लोग मेरे मम्मी को कितना ताने मारते हैं, इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहती। वो ऐसा बोलते हैं ना कि अरे नहीं जी, तुम्हारे से अच्छी तो इसको बोलते हैं, तेरी से अच्छी तो तेरी माँ ही है। कौन बोलता है ऐसा? जो भी कोई लड़का आता है बेटा, मैं इतनी परेशान, देखने के लिए आते जो इनको, जो देखने के लिए आएगा, और वो यही बोलता है, कहता तुम्हारे से तो अच्छी तुम्हारी माँ ही है। अच्छा। और क्या करूँ मैं, इतनी परेशान रहती। और इनके फादर वगैरह? बेटा क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? बता दो भैया। मेरे फादर तो मेरे जन्म से ही छोड़ के मेरे को भग गए घर से, क्योंकि जब मेरे पैर में प्रॉब्लम हुई, मेरे दाग है फेस पे, इसकी वजह से मम्मी को अकेले छोड़ के चले गए। अच्छा। और आज तक मैं इतनी बड़ी हो गई, लेकिन ना मेरी खोज खबर है ना मेरी मम्मी की खोज खबर, नहीं लेते हम। मतलब आपकी मदर ही सिंगल, मतलब आपको पाल पोस रही थी करने वाली। हाँ जी भैया। अच्छा, तो आंटी जी आपने जैसा मेरे को बताया था, ठीक है, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पहले आपने जो जो मेरे को बातें बताई वो आप एक बार कैमरे में बोलो कि आप क्या क्या दोगे अपनी लड़की को अगर कोई इसको एक्सेप्ट करता है। हाँ बेटा, मेरे को पैसा बहुत है, तो वो पैसा जितना भी है ना वो मेरी बेटी का ही है। अच्छा। और मेरा अपना मकान है ना, और गाड़ी वाड़ी भी है, वो सब ये लड़की का ही है। अच्छा। और किसी का नहीं है, बस हम माँ बेटी हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि लड़की को सही से रखे, लड़की को सुखी रखे। हाँ, सुखी रखे। हाँ। उससे प्यार करे सही से, बस यही है ना, इससे चला चुला नहीं जाता है। तो यही है, एक निशान है बस, वो पहले छोटा था, अब ये ना पूरे फेस पे ना बड़ा हो गया। तो अच्छा, आपकी लड़की पढ़ी लिखी कितनी है? हाँ, वो MA कर रखी है लड़की। MA कर रखी लड़की ने? सुंदर भी है, बस एक साइड में, मतलब वो चांद पे दाग वाली बात हो रखी है इसके साथ। तो वही ना, अब क्या करूं मैं, इतनी परेशान रहती हूँ ना। कोई नहीं, आप टेंशन मत लो। तो भाई इनको देख लो, माताजी हैं। और माताजी आपके जो आप फार्म हाउस वाली बात बताते, कहाँ पे है वो आपके? उड़गांव की तरफ जो बोल रहे थे आप, की तरफ है। दो तीन फार्म हाउस है ना आपके? वो पैसा है, बहुत है पैसा। और ये ना कोई लालची मिल जाए तो वो ही, मेरे को ये नहीं चाहिए। हाँ, तो भाई ये चीज मत करना, कोई भी फालतू के लिए कमेंट मत करना, और फालतू के लिए बोलना मत कि भाई ये है वो है, ठीक है? किसी की यार कोई बिचारी, वो देख लो, वो पहले प्रॉब्लम है, वो लड़की है, सब कुछ ठीक है लड़की। हाँ। बाकी ये है कि थोड़ा सा पैर है और यहाँ ये है, फेस पे इसके है जो मतलब है भाई, निशान है क्या। हाँ। है वो भाई, अब उसके साथ यार बचपन से तो उसमें कुछ कर सकते नहीं, और ऐसा तो है नहीं, इन्होंने इलाज नहीं करा, इलाज भी आपने कराया? मैंने इलाज बहुत कराया, पर कोई मतलब रिजल्ट नहीं आया ना इसका। रिजल्ट नहीं आया तो भाई इसीलिए माता जी हमारे पास आई थी, ठीक है? और बाकी एक बार बहन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ ना करके ना एक बार हल्का सा वो दाग दिखा दो, ताकि पब्लिक ये ना सोचे कि भाई बेकार बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं हमसे। तो एक बारी आप हल्का सा, सिर्फ हल्का सा, कुछ मत करो फेस में, डरो मत। ठीक है भैया, लेकिन जिससे जो भी कोई वीडियो देखे, अगर कमेंट में कर सकता तो अच्छा ही कमेंट करे। मैं अपना चेहरा तो दिखा दूंगी, लेकिन दुनिया के सामने मैं अपना फेस दिखाना नहीं चाहती, लेकिन आपके कहने पे मैं एक बार दिखा देती हूँ। नहीं, फेस नहीं दिखाना अभी आपको भाई, फेस हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भाई ये चीजें कल को किसी के लिए प्रॉब्लम हो तो वो चीज हम नहीं दिखाएंगे। पर इनके चेहरे पे जो निशान है ना, सिर्फ निशान हम दिखाएंगे। आप उधर की तरफ फेस करो, हल्का सा दिखाओ। अब इनका हल्का सा आपको निशान दिखा देते हैं, आराम से बेटा, आराम से। ये देख लो भाई, ये निशान है इनके चेहरे पे,
ठीक है, कवर कर लो आप, कवर कर लो। तो भाई ये निशान है, ठीक है, और कईयों को ये लग रहा होगा, जिनको लगता होगा कि भाई कुछ नहीं होगा ऐसे बोलोगे, तो ये देख लो भाई, प्रूफ है आपके सामने, ठीक है। और इस लड़की से नहीं खड़ा होया जाता, मतलब चला नहीं जाता इससे सही से, ठीक है, पैर में प्रॉब्लम की वजह से है। और ये हमारे पास सहारा लेके ही चलती है, ऐसे नहीं चलती, वो डंडी है, अच्छा स्टिक वगैरह जो होगी इसकी, है ना, उसी से ही चलती, उसी के सहारे से चलती है। और काम हम मतलब करते हैं घर का, नहीं काम नहीं, मैं काम नहीं इससे हम करवाते, नौकर वोकर लगा हुआ है घर पे ही, अच्छा घर पे मतलब नौकर वगैरह है सब कुछ, लगे हुए हैं सब कुछ, हम घर के पैसा वैसा है, वो कोई फार्म हाउस है अपने, अपना काम चलता है हमारा, अपना बिजनेस मेरे अपने फार्म हाउस है, अच्छा। और फार्म हाउस में एक दो है जो मैंने शादियों वादियों में भी देती हूँ, 10-12 लाख रुपया मेरा आ जाता है, अच्छा 10-12 लाख रुपए उनसे आ जाता है। और ये मैं चाहती हूँ कि जो भी ये लड़की को रखेगा ना, और वो ठीक रखे, है ना, वो ये नहीं है कि ऐसा नहीं है, मेरी लड़की सही है, और उसमें पैसे में भी ये जोड़ जोड़ के ही रखती है, खाने वाली नहीं है लड़की, मतलब घर बसाने वाली है, बसाने वाली है इतना सब कुछ होने के बाद ही, मतलब देख के पता है माँ ने कैसे कैसे जोड़ जोड़ के इतना पैसा इकट्ठा करा है, इस लड़की को मालूम है, आप गरीबी देखी है ना भाई, उसने हिसाब किताब देखा कि कैसे, बाकी मेरे को कोई लालची लड़का नहीं चाहिए, बाकी ये है कि लड़का सही होना चाहिए, और ये वो फार्म हाउस भी जो भी है कल को इसी के ही है ना लड़की, इकलौती है तो इसी के होती है, हाँ इसी के ही है, कोई ऐसा ना मिल जाए, और जो भी कोई मिले और वो सही मिले हमें लड़का, बस यही चाहती हूँ, बस इसी में परेशान थोड़ी ज्यादा हूँ, अच्छा। और कुछ नहीं बेटा, आप भी कुछ बोलना चाहोगे? भैया मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने बचपन से मेरे को बहुत संघर्ष करके पाला है, और आज जो कुछ भी है, जितना भी पैसे है हमारे पास, वो मम्मी की बदौलत ही है। बस इतना ही चाहूंगी कि कोई भी लड़का हो, गरीब हो, लेकिन लालची नहीं हो, जो मेरे साथ मेरी मम्मी का देखभाल कर सके, मुझे अच्छे से रख सके, ये नहीं कि मेरे घर में पैसे देखा, मेरी से शादी कर ली और फिर पैसे लेके भाग गया, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो मेरी इस स्थिति में, मेरे इस हालात में मेरा साथ दे सके और मेरी मम्मी का ख्याल रख सके, पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छा। बस लालची नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, चाहे गरीब हो, आपने मेरी स्थिति देखी है, पब्लिक भी देखी है, तो अब बस रिक्वेस्ट, अच्छा, लड़का किसी भी कास्ट किसी भी बिरादरी का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज से आपको कोई इशू नहीं है, गरीब हो अमीर हो कोई वो नहीं है, गरीब चलेगा भैया, गरीब ही चलेगा, क्योंकि गरीब इंसान थोड़ी सी इज्जत करता है इंसान का, अगर गरीब है तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लालची हो, उसके मन में लालच हो कि आए मेरे से शादी कर, एक महीने साथ रहे, पैसे रुपए लेके चला जाए, ऐसा नहीं चाहिए, नहीं नहीं, वो तो फिर भाई कोई इस तरीके का अगर कोई हो तो प्लीज, पहले बोल रहा हूँ मैं, कमेंट ही मत करना और ना कोई कॉन्टेक्ट करने की जरूरत करना, ठीक है। तो भाई हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई भी हो जिसको भाई जरूरत हो और इस बहन को देख सके, उनकी माता जी को संभाल सके, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज्यादा परेशान है और इसीलिए हमारे पास आए थे, ठीक है। तो भाई हम ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इनकी मदद हो जाए भाई हमारी तरफ से, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अब, ठीक है भाई, राम राम कर दो आप, ठीक है।